गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कल जो वीडियो डाले थे उसमें बहुत ज़्यादा कमेंट था कि पिक्चर क्लैरिटी सही नहीं है। तो ये हम भी अनुभव किए हैं कि पिक्चर क्लैरिटी सही नहीं है, तो आज के वीडियो में उसको सुधारने की कोशिश किए हैं। तो देखते हैं आज का लेक्चर में कैसा क्लैरिटी आता है। हालांकि ये स्टार्टिंग है, ठीक हो जाएगा। तो आज हम लोग मोशन चैप्टर का लेक्चर थर्ड कर रहे हैं, ठीक है, जिसमें हम कल डिस्प्लेसमेंट के बारे में पढ़ाए थे, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में। आज उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। एक बार और हम समझाते हैं डिस्प्लेसमेंट के बारे में, डिस्प्लेसमेंट क्या है। तो डिस्प्लेसमेंट जो है, डिस्प्लेसमेंट जो हम कल बताए थे कि कुछ नहीं है, बस इनिशियल से फाइनल लाइन को, इनिशियल से फाइनल पॉइंट को आपको मीट कर देना है। मीट करने के बाद जो लाइन आएगा वही हमारा डिस्प्लेसमेंट होगा, ठीक है, और उसी को निकालने की कोशिश करना है। बस यही आपको कॉन्सेप्ट रखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर वन से, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक पर्सन है जो पॉइंट ए से स्टार्ट किया है और एक रेक्टेंगुलर शेप बनाते हुए पॉइंट बी पे बन गया है। तो आप जो भी हम क्वेश्चन कराएंगे, हर क्वेश्चन का वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि आपको बाद में समझ में आए। तो देखते हैं, तो एक पर्सन कह रहा है पॉइंट ए से स्टार्ट किया है और रेक्टेंगुलर शेप बनाते हुए, इस तरह से रेक्टेंगुलर बनाते हुए, और रेक्टेंगुलर बनाते हुए 4 मीटर दिया हुआ है, ट्रेवल किया है 6 मीटर और ये 4 मीटर, ठीक है। रेक्टेंगुलर में आप जानते हैं 90 डिग्री, ये 90 डिग्री होता है। इस तरह से ये बी पॉइंट पर पहुँचा। तो अब कह रहा है कि इस ये पर्सन जो पाथ ट्रेवल किया है, इसका डिस्प्लेसमेंट निकालना है और डिस्टेंस दोनों निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? तो यहाँ से फर्स्ट, यहाँ से क्या करेंगे हम, सबसे पहले डिस्टेंस निकाल लेते हैं। डिस्टेंस निकाल लेते हैं, तो हम डिस्टेंस बताएं कि जो भी पाथ कवर्ड है उसको क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए। तो 14 मीटर हो गया, ठीक है। अब डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे हम। डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे? तो हम बता दें इनिशियल से फाइनल को मीट कर देना है। तो इनिशियल से फाइनल को हम मीट कर दिया, डायरेक्शन ये देंगे क्योंकि ये पर्सन यहाँ से डिस्प्लेस होकर यहाँ पहुँचा, तो ये हमारा डायरेक्शन हो, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, डायरेक्शन। तो ये इनिशियल से फाइनल पहुँचे, जैसे हम जानते हैं ये रेक्टेंगल है, ये क्या है आपका रेक्टेंगल, ये 4 हुआ, ये 4 है, ये 6 है, तो ये क्या होगा हमारा 6 मीटर, क्योंकि रेक्टेंगुलर बोल रहा है कि रेक्टेंगुलर शेप बनाते हुए आया। इस तरह से हमारा डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, 6 मीटर, ठीक है, समझ में आया। इस तरह से हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, इसको पॉज करके आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है कि ए मैन कवर्स 2 होल 1/2 राउंड ऑफ ए सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर। मतलब एक रेडियस, एक सर्कुलर ट्रैक है इस तरह से, ये सेंटर हुआ इसका और इसका रेडियस दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर, ये रेडियस हुआ हमारा 2 सेंटीमीटर। ए मैन कवर्स 2 होल 1/2 राउंड ऑफ ए सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर, फाइंड द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो एक आदमी जो है इस सर्कल का 2 होल 1/2 राउंड कंप्लीट करता है, ठीक है। तो हम स्टार्ट कर लेंगे, कोई भी पॉइंट से स्टार्ट कर लेंगे, मान लीजिए हम ए पॉइंट से ही स्टार्ट करते हैं। तो ए पॉइंट से स्टार्ट करते हैं, इसका टोटल कवर 2 होल 1/2 राउंड, ठीक है। तो यहाँ से अगर पर्सन चला है, इस डायरेक्शन से होते हुए ऐसे चलते हुए यहाँ पे आया, अगर ये ऐसे चलते हुए यहाँ पे पहुँच गया, ये 1 राउंड हुआ कंप्लीट हमारा। फिर यहाँ से चलते हुए यहाँ पे पहुँचा, ये 2nd राउंड हुआ, ठीक है, 2nd राउंड तो कंप्लीट हो गया। अब कह रहा है हाफ राउंड, तो यहाँ से चलेगा और यहाँ पहुँचेगा, यहाँ पे पहुँचेगा, तो ये बिल्कुल हाफ होगा, ठीक है। यहाँ पहुँच जाएगा फुल राउंड हो जाएगा, यहाँ पहुँचेगा तो बिल्कुल हाफ हो जाएगा। तो ये हमारा फाइनली में पर्सन जो है यहाँ पे इस लाइन पे है, फाइनली पर्सन हमारा इस पॉइंट पे है, बी पॉइंट पे। 2 होल 1/2 राउंड कंप्लीट करने के बाद पर्सन हमारा इस पोजिशन, ठीक है। तो अब कह रहा है इस क्वेश्चन में कि इसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालिए जो इस पर्सन के द्वारा कवर किया गया है, ठीक है। तो हम सबसे पहले डिस्टेंस निकालते हैं। डिस्टेंस, तो डिस्टेंस क्या होता है कि देखिए सर्कुलर ट्रैक है, तो सर्कुलर ट्रैक है तो जो भी पर्सन है वो यहाँ से घूम के ऐसे आया है कि हम ये पाथ कवर किया है, ये पाथ, और सर्कल में ये पाथ कवर्ड जो हम निकालते हैं इसी को सर्कमफेरेंस बोलते हैं।
तो सरकमफ्रेंस निकालेंगे हम, तो यहाँ क्या था सरकमफ्रेंस हमारा, 2 इंटू पाई इंटू आर होता है, तो यहाँ पर 2 इंटू 22/7 इंटू 4 कर देंगे, 2 सेंटीमीटर है ना, तो 2 कर देंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम कर देंगे, तो ये वन राउंड का हुआ, ठीक है, वन राउंड का हुआ। लेकिन यहाँ पर कितना राउंड है, तो यहाँ पर राउंड है हमारा 2.5 राउंड। तो इसको पहले हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, चेहरा नहीं दीजिए इसको, पहले ये निकाल लीजिए, वन राउंड का निकाल लीजिए, ऐसे भी कर सकते हैं। तो हो जाएगा 88 बाई 7 सेंटीमीटर। अब कितना राउंड है, 2 होल 1/2 राउंड है, तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा हमारा टोटल, डिस्टेंस हमारा हो जाएगा 88/7 इंटू 5/2। यहाँ से हम निकाल लेंगे तो ये कट जाएगा हमारा 44, ठीक है, और मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 220/7 सेंटीमीटर। डिवाइड कर लीजिएगा 31, ठीक है, और फिर इस तरह से ये इतना अलग इतना हो, ये हमारा हुआ, ये पर्सन के द्वारा जो हुआ कवर किया गया टोटल डिस्टेंस निकला हमारा, ठीक है, ये 2.5 राउंड। अब हमको निकालना है डिस्प्लेसमेंट, हमको निकालना है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे, तो डिस्प्लेसमेंट को पता है कि फाइनल से इनिशियल को मिला देना, तो ये हुआ इनिशियल, यहाँ से स्टार्ट किया है, फाइनली यहाँ पे पहुंचा था, इस लाइन से हम इस लाइन को मिला चुके हैं, देख लीजिए मिला दिए, तो ये जो हमारा डिस्टेंस होगा यही हमारा क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो ये 2 रेडियस है, इधर भी रेडियस 2 होगा, तो डिस्प्लेसमेंट हमारा होगा 2 + 2 = 4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पर अभी आप देख रहे हैं कि डिस्प्लेसमेंट मात्र 4 सेंटीमीटर है, डिस्टेंस 31.1 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से कम आ रहा है। तो इस तरह से ये हमारा डिस्प्लेसमेंट का सेकंड क्वेश्चन हो गया। तो आप इसको पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा कैसे बना है। थर्ड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन हमारा है कि ए पार्टिकल मूव्स ओवर 3/4 ऑफ ए सर्कल रेडियस आर, व्हाट इज इट्स डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस। तो देखिए यहाँ पे ये हमारा हो गया, फिर एक सर्कुलर ट्रैक है फिर से, और रेडियस का है आर है, इसका रेडियस आर है, इसमें वैल्यू नहीं दिया है, ठीक है, कांस्टेंट वैल्यू नहीं दिया है, रेडियस आर दिया है, मान लेते हैं ओ ए। तो कह रहा है ए पार्टिकल मूव्स ओवर 3/4, 3/4 का मतलब तो 1/4 होता है, 1/4 का मतलब होता है 1/4, सर्कल में 1/4 क्या होता है, ये होता है आपका, देख लीजिए इस तरह से, ये 90 डिग्री हुआ, तो 1/4 1/4 1/4 1 मतलब 1/4 1/4 1/4 1/4 इस तरह से। अगर पर्सन यहाँ से यहाँ चला तो 1/4 हुआ, यहाँ से यहाँ चला तो 2/4 हुआ, और यहाँ से यहाँ चला तो 3/4 हुआ, और यहाँ क्वेश्चन कह रहा है कि 3/4 हुआ, तो पर्सन अगर ए से स्टार्ट किया है तो यहाँ यहाँ पे आएगा आपका ये वाला, फाइनली यहाँ पे पहुंचेगा बी पॉइंट पे, ये इनिशियल पॉइंट है, ये इनिशियल है और ये फाइनल पॉइंट है, ठीक है। तो 3/4 कवर किया है रेडियस आर, तो इसका डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस निकालना है। तो देखिए यहाँ पे कि सबसे पहले हम डिस्टेंस निकालते हैं, डिस्टेंस, तो डिस्टेंस हम डालते हैं 2πr होता है, तो पूरा का क्या हो गया हमारा 2πr, तो यहाँ पर निकालेंगे 2 × r, लेकिन ये कितना है 3/4 है, तो 3/4 मतलब होगा 3/4, 3/4 क्या मतलब हो गया हमारा 3/4। अब यहाँ से हम सॉल्व कर लेंगे जो भी होगा, 3 × 6 हो गया, ये काट दो इसको, 2 इसको काट दो, 11 तो हो गया 33r/7, 33r/7 जो भी है, हम आते यूनिट दिया नहीं है तो इसको हम यूनिट लिख सकते हैं, ये हो गया यूनिट 33r/7, यूनिट हो गया हमारा डिस्टेंस, क्योंकि ये यहाँ से ट्रेवल है, अगर ये एक राउंड पूरा कवर करता तो एक राउंड पूरा कवर करता तो सीधे होता हमारा 2πr, मतलब एक राउंड कवर करता तो होता हमारा 44r/7। अगर आप डिवाइड करके देखिए ये ज़्यादा आएगा ये कम आएगा, क्योंकि ये कम्प्लीटली 3/4 राउंड है।
अब देखिए डिस्टेंस समझ में आ गया निकालना, 3/4 क्वार्टर का। अब डिस्प्लेसमेंट देखिए, डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट क्या निकलेगा, तो फाइनली जो भी पर्सन है वो यहाँ से पहुंचा है यहाँ पर, तो हम इस लाइन को क्या करेंगे, हम फाइनल कोऑर्डिनेशन से क्या करेंगे, हम सिंपली मिला देंगे। अब पर्सन ये डायरेक्शन देंगे कि पर्सन इधर से इधर आया है, मतलब यहाँ से डिस्प्लेस होकर यहाँ आया है, तो हम ये डायरेक्शन इसके हम दे देंगे। अब हमको निकालना क्या है, तो ये निकालना है, तो ये आर है, ये भी आर है, क्वार्टर है, तो ये 90 डिग्री एंगल हुआ यहाँ पे, ठीक है। तो ये आप देख रहे हैं ये जो फिगर बन रहा है, इस तरफ फिगर बन रहा है, इस तरफ फिगर बन रहा है, ठीक है, इस तरफ फिगर बन रहा है, ये आर है, ये आर है, तो हम जानते हैं ये एक ट्रायंगल है और इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो हम क्या लिखेंगे, हम नाम दे दीजिए, यहाँ पर ए है, यहाँ पर ओ है, और यहाँ पे बी है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा ए बी स्क्वायर, ठीक है। इस तरह से हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर, यहाँ पर देख लीजिए ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया 2R स्क्वायर, और यहाँ से ए बी अगर हम निकालते हैं तो रूट में जाएगा 2R स्क्वायर, तो यहाँ से आंसर आएगा हमारा √2 × R, ये हमारा आंसर, या स्क्वायर से भी लिख सकते हैं √2, ये हमारा हुआ यूनिट डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो इस तरह से ये डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं, अंडरस्टैंड, इसको आप पास करके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा जो सॉल्यूशन है। डिस्प्लेसमेंट बेस्ड बहुत सारा क्वेश्चन रहता है, आपको कुछ बेसिक क्वेश्चन करवा दे रहे हैं, बाकी आप किसी भी बुक से प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। बाकी और हम करवाएंगे बीच बीच में, डिस्प्लेसमेंट का और सारा क्वेश्चन भी हम करवाएंगे। लास्ट क्वेश्चन है, देखिए सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्कल इज 44 मीटर, किसी सर्कल का सर्कमफेरेंस दिया हुआ है 44 मीटर, सर्कल भी बना देते हैं यहाँ पे, ठीक है, सर्कमफेरेंस दिया 44 मीटर। ए मैन कवर्स 198 मीटर अराउंड सर्कुलर ट्रैक, और कोई पर्सन है जो सर्कुलर ट्रैक पे 198 मीटर कवर किया है, तो यहाँ पर टोटल डिस्टेंस डिस्टेंस दिया हुआ है हमारा, टोटल डिस्टेंस है 198 मीटर। इस क्वेश्चन में अगर आपको डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए बोल रहा है, तो सिंपल डिस्टेंस तो हमारा दिया हुआ है 198 मीटर, क्योंकि टोटल पाथ यही कवर है, हमारा डिस्टेंस यही हो गया, और सर्कमफेरेंस दिया हुआ है, कह रहा है कि डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए, तो ये डिस्प्लेसमेंट कैसे निकलेगा, तो देखिए सबसे पहले तो हमको रेडियस निकालना पड़ेगा, तो सर्कमफेरेंस दिया हुआ है तो हम रेडियस निकालेंगे, तो सी बराबर होता है 2πr, तो हो जाएगा 44 इज इक्वल टू 2 × 22/7 × r, ठीक है, ये कट गया हमारा, तो हो गया 1 = r/7, तो r बराबर हो गया हमारा 7 मीटर, ठीक है, r बराबर हो गया हमारा 7 मीटर, रेडियस हमारा 7 मीटर आ गया है। अब कह रहा है कि टोटल डिस्टेंस 198 मीटर कवर किया है, तो हमको पता ही नहीं कि 198 मीटर कहाँ पे आया, हमको पता नहीं 198 मीटर कहाँ पर आया, तो हमको यहाँ निकालना पड़ेगा कि ये किया कितना कवर, पाथ कितना कवर किया, ठीक है। तो आपको यहाँ पर निकालना होगा ये पार्ट कवर्ड ऑन सर्कल, क्या हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस है 198 मीटर, और इसका एक राउंड का, ठीक है, एक राउंड का है 44, सर्कमफेरेंस को 1 राउंड, यहाँ पर लिख दीजिए 1 राउंड, यहाँ पर पार्ट ना लिख के आप राउंड भी लिख सकते हैं, तो राउंड कवर्ड ऐसा लिख दीजिए, राउंड कवर्ड ऑन सर्कल, तो टोटल है 198 मीटर, हटा दीजिए इसको, और एक का है 44, तो डिवाइड कर दीजिए यहाँ 44 को 198 से, तो 4 बार हो जाएगा, तो ये हो गया हमारा 4 होल 22 by 44, ये हो गया हमारा 4 होल 22 by 44 राउंड। अब इसको कैसे निकले, तो इसे काट सकते हैं 2 बार में, तो आ गया 4 होल 1/2 राउंड। देखिए ये जो पर्सन है ये 4 होल 1/2 राउंड कवर किया, मतलब अगर मान लीजिए कहीं से स्टार्ट किया, मान लेते हैं यहाँ से स्टार्ट किया है, ये ओ है, ये ए है, और रेडियस हम निकाल चुके हैं 7 मीटर, 7 मीटर है, तो यहाँ से किया 1 राउंड, 2 राउंड,
3 राउंड और फिर 4 राउंड, 4 राउंड हो गया यहाँ पे, और उसके बाद हाफ राउंड आउट। तो यहाँ से आने के बाद ये हाफ राउंड यहाँ पे आया है, यहाँ पे फिर से, तो ये फाइनली यहाँ पे पहुंचा है। 4 होल 1/2 राउंड कवर करने के बाद फाइनली यहाँ पे पहुंचा है, ठीक है। तो फाइनली पहुंचा कहाँ है, ये इनिशियल ये फाइनल को मिला दिए हम, ये 7 मीटर ये भी 7 मीटर। तो इस तरह से हमारा डिस्प्लेसमेंट हो गया, हमारा डिस्प्लेसमेंट हो गया हमारा आपका 7 + 7 = 14 मीटर। ये हमारा डिस्प्लेसमेंट हो गया और ये हमारा डिस्टेंस पहले से दिया हुआ है, तो डिस्टेंस निकालने की हमको जरूरत नहीं है। और टोटल राउंड, अगर राउंड भी आपसे पूछता है टोटल राउंड कितना हुआ, ये हमारा टोटल राउंड हुआ 4 होल 1/2 राउंड, टोटल राउंड हो गया 4 होल 1/2 राउंड, इतना राउंड टोटल कवर किया है। तो इस तरह से जो है डिस्प्लेसमेंट के क्वेश्चन रहते हैं, मैथमेटिकली बेस्ड है, आपको मैथमेटिक्स आना चाहिए, सर्कल से रिलेटेड या जो भी हो उससे, तब आपका डिस्प्लेसमेंट का क्वेश्चन इजीली बनेगा। तो आशा करते हैं कि आज की पढ़ाई समझ में आया होगा, और जैसा भी है आप कमेंट करके बता सकते हैं। पिक्चर क्लैरिटी की बात है तो आज देखिए आज का कैसा है, आज का सुधार किए हैं, और इसी के साथ थैंक यू। आप पढ़ते रहिए अच्छे से, क्लास ले रहे हैं, ठीक है।